अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो पूरी अवश्य देख के जाइए। इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बीएड से संबंधित जो है अवश्य जानकारियां मिलेगी और आगे काउंसलिंग में आपको मदद मिलेगा। जय हिंद। जैसा कि पहला कमेंट आप देख रहे हैं कि 5900 रैंक है साइंस स्ट्रीम में, EWS कैटेगरी है इनकी और एडमिशन के लिए पूछ रहे हैं। तो भाई साहब, आपको सरकारी कॉलेज जो आप डाल रहे हैं KNPG कॉलेज जो है आपको, वो मिल जाएगा आपको। लेकिन ये है कि एक कॉलेज के ऊपर मत डिपेंड होइएगा, एक से दो कॉलेज और डालिएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन एक कॉलेज के ऊपर मत डिपेंड होइएगा। अगली बार इसी कारण जो है अच्छे अच्छे रैंक वाले लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। स्टेट रैंक 15612 है, कैटेगरी रैंक 8560 है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी। जैसा कि जानते हैं प्रयागराज यूनिवर्सिटी जो है उसमें बीएड का कोर्स नहीं है और जो है भी उस लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। तो आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा, तो जो है आपको वहाँ मिलना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जो है अच्छे रैंक वाले लड़के जाते हैं। दूसरा कमेंट है, सर आप गलत बोल रहे हो, हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेजों में भी टीचिंग करनी पड़ती। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि नहीं टीचिंग करनी पड़ती, लेकिन जैसा कि आप नीचे लिखे हैं कि 50 में 30 से 35 लड़के ही अटेंड होते हैं, तो मेरे यहाँ बताऊँ कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों में यही अंतर हो जाता है कि मेरे यहाँ 50 लड़के अगर हैं तो 50 के 50 आते हैं, और टीचिंग और माइक्रो टीचिंग नियम रेगुलेशन से होता। आपके यहाँ यही सुविधाएं नहीं रहती प्राइवेट कॉलेजों में, इसीलिए लड़के भी, जो असलियत बात है मैं इसको बता रहा हूँ, कि इसीलिए लड़के एडमिशन भी लेते हैं कि मुझे क्लास ना लेनी पड़े। इसके बाद 222 नंबर है, 24030 रैंक है। इसके बाद कैटेगरी रैंक इतनी OBC से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो 24000 रैंक है आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं मिलेगा। आपको पूरा उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अगर आप डालेंगे तो ज़रूर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आप ये सोचें कि आप अपने मन मुताबिक कॉलेज डाल के और उसको पा जाएँ, तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है। और अगर यही रैंक जो आपकी 5000 या 10000 के अंदर होती तो हो सकता है कि आपके मन मुताबिक कॉलेज मिल जाता, लेकिन इतने रैंक पे आपको मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट आप देख सकते हैं कि भैया स्टेट रैंक मेरा 1800 है, कैटेगरी रैंक 1000 है, 270 लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से जैसा कि आप जानते हैं कि 3 से 4 से 5 कॉलेज जो है सरकारी जुड़े हुए हैं, तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो है कहीं ना कहीं ज़रूर कॉलेज मिल जाएगा, ये श्योर है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, 1,80,623 है, क्या फर्स्ट कॉलेज मिल सकता है? तो फर्स्ट कॉलेज के लिए आप अभी अपने कॉलेज, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो प्राइवेट कॉलेज में, उसमें जाके पता कर लीजिए कि मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है। कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, लेकिन वो आपका एडमिशन कर देंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, ये श्योर है। लेकिन ये है कि अगर वो डिमांडिंग कॉलेज होगा तो मुश्किल हो सकता है। इसके बाद आप नीचे कमेंट देख सकते हैं कि 190 के लमसम नंबर है, और इसके बाद मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? मुश्किल है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, क्योंकि आपकी अगर इतना रैंक है तो मुझे लगता है कि 50 से 55 हज़ार प्लस रैंक होगा। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड की कैटेगरी में, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप होंगे, तो उम्मीद जगाया जा सकता है कि हाँ सरकारी कॉलेज मिल जाए, लेकिन एकदम नहीं कहा जा सकता कि आपको सरकारी कॉलेज मिल ही जाए। 20000 स्टेट रैंक है, जनरल से हूँ, EWS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो 20000 पे मिल सकता है, लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं मिलेगा। पूरा उत्तर प्रदेश में आपको कॉलेज डालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आप ये सोचिए कि पहला कॉलेज डाल के जो है आपको वो कॉलेज मिल जाए, तो ये मुश्किल है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश में ज़रूर आपको कॉलेज मिल जाएगा। भैया एक कॉलेज में EWS की कितनी सीटें है? जैसा कि मैं अपने कॉलेज की बात बताऊँ कि ये कोई कॉलेज ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हर जगह जो है 5 से 6-7 सीटें ज़रूर रहती हैं EWS के लिए। इसके बाद आगे कमेंट है कि 270 मार्क है, स्टेट रैंक 1822 है, जनरल कैटेगरी से हूँ, हड़िया PG कॉलेज मिल जाएगा। तो 1822 रैंक पे हाँ मिल जाएगा, क्योंकि हड़िया PG कॉलेज का इलाहाबाद में केवल एक ही सरकारी कॉलेज है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप जो है प्रतापगढ़ के भी कॉलेजों को डाल सकते हैं, जिससे आपको अगर हड़िया PG कॉलेज ना मिले तो और जगह की कॉलेज ज़रूर मिल जाए, लेकिन इतने रैंक पे हो सकता है कि मिल जाए आपको। भैया मैं, मुझे लगता है कि मार्क 220 है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो 220 नंबर मतलब आपका रैंक जो मुझे लगता है कि 30000 या 30 से 35000 के लमसम होगा। अगर आप कैटेगरी अपनी डाल दी होती तो मैं, मुझे बताने में आसानी होती, लेकिन आपने कैटेगरी नहीं डाला, कोई बात नहीं। ऐसे आप अधिक से अधिक कॉलेजों को डालने का प्रयास करिए, कहीं ना कहीं पूरा उत्तर प्रदेश में आपको सरकारी कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। इसके बाद आगे कमेंट है कि मेरा 26385 रैंक है, श्री गांधी PG कॉलेज माल्टारी मिल सकता है क्या?
तो मैं अपने अगली साल की रैंक बताऊँ कि 30,000 लड़कों को जो है सरकारी कॉलेज मिला था, मेरा गांधी की पीजी कॉलेज। लेकिन ये आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है आपको मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि अगर गांधी पीजी कॉलेज का भी डिमांड जो है बढ़ता जा रहा है, जितने अगल बगल के क्षेत्रों के लड़के हैं स्टूडेंट हैं वो भी प्रेफर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले। लेकिन आप एक कॉलेज अगर पहला कॉलेज ये चूज करेंगे तो हो सकता है ना ही मिले, क्योंकि 10,000 और इतने लड़कों को अगर होता रैंक होता तो आपको मिल जाता। इसके बाद आगे है 228 नंबर है स्टेट रैंक, 19,000 कुछ है ओबीसी कैटेगरी से हैं, 10,000 एडेड कॉलेज मिल जाएगा। तो 19,000 पे एडेड कॉलेज ओबीसी मिल सकता है, लेकिन वही है कि आपके मन मुताबिक नहीं मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक कॉलेजों को लॉक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपके मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिलेगा। और आप पहले अपने ज़िले के कॉलेज को चूज करिएगा, इसके बाद अगल बगल ज़िले के कॉलेज को चूज करिए, उसके बाद उससे भी अगल बगल ज़िले के कॉलेज को चूज करिएगा अपने सुविधा अनुसार, और नज़दीक से नज़दीक लेने का प्रयास करिएगा, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। इसके बाद नीचे कमेंट है कि अकबरपुर का कॉलेज पिछली बार बीएनके पीजी कॉलेज के कवर के कटाव कितना गया था पेज बताइए। तो मैं अगली बार की बात बताऊं कि मेरे साथ ही एक मेरा कलिक था, वो जो है 25,000 रैंक पे जो है उसको अकबरपुर का जो सरकारी कॉलेज है जो अवध यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है उसको उसको मिला था। तो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि इस बार काउंसलिंग कितना लड़के कराते हैं और काउंसलिंग में कितने लड़के भाग लेते हैं। इसके बाद नीचे कमेंट था कि स्टेट रैंक 16,200 है, ओबीसी रैंक 8,220 है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जौन गवर्नमेंट कॉलेज है, कम से कम 5 से 6 गवर्नमेंट कॉलेज है। लेकिन अगली बार की बात मैं बताऊँ आपको कि मेरे कॉलेज में जौनपुर के कम से 5 से 6 लड़के आए हैं जो कि 10,000 रैंक थे, तो वो अपने जौनपुर का भी कॉलेज डाले थे लेकिन उनको नहीं मिला था। तो वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि इस बार कितना काउंसलिंग कराते हैं। आप अधिक से अधिक कॉलेजों को लॉक करिएगा, कहीं ना कहीं पूरा उत्तर प्रदेश आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। इसके बाद सर ओबीसी में यूपी बीएड में स्टेट रैंक 4649 है ओबीसी स्टेट रैंक, और इसके बाद ओबीसी रैंक 2601 है। क्या मुझे अपने अंबेडकर नगर में बीएनके? हाँ मिल जाएगा आपको, आपकी रैंक अच्छी है और मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये है कि एक कॉलेज डाल के मत भूल करिएगा, और वो जो बीएनके पीजी कॉलेज है अकबरपुर वाला वो जो है अवध यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, उसमें भी कक्षाएँ बहुत अच्छी चलती हैं। मैं तो पहले मुझे लगा था कि कक्षाएँ नहीं चलती, लेकिन उसमें भी कक्षाएँ चल रही हैं और प्रॉपर उसमें भी जितनी एक्टिविटी बीएड विभाग में होती हैं सब एक्टिविटियाँ हो रही हैं। तो आप ध्यान से चूज करिएगा क्योंकि वो भी अब डिमांडिंग कॉलेज माना। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? तो मैंने अपना इंस्टाग्राम की आईडी काफ़ी वीडियो में या काफ़ी लोगों को बताया हूँ, आप वहाँ से करके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद 400 रैंक का सिबली कॉलेज मिल 4000 रैंक का सिबली कॉलेज मिल सकता है क्या? बहुत मुश्किल है सिबली कॉलेज, क्योंकि आजमगढ़ के सबसे बेस्ट कॉलेजों में सिबली कॉलेज माना जाता है और उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और माइनॉरिटी की सीटें वहाँ पर ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, और ज़्यादा सीटें हैं भी नहीं, 25 सीट हैं, तो उसकी वजह से मुश्किल है मिलना आपको। 12,245 रैंक प्रतापगढ़ में कोई कॉलेज मिल जाएगा। प्रतापगढ़ में जैसा कि आप जानते हैं कि तीन कॉलेज हैं सरकारी कॉलेज जो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आपको मिल जाए लेकिन मुश्किल है मिलना। आप और जिलों को भी कॉलेज को प्रेफर करिएगा। मैं प्रयागराज से हूँ, 1,00,000 इतना रकम दूसरा मिल सकता है आपको, पहला ही कॉलेज मिल सकता है, लेकिन आप अपने कॉलेज में जाके पता कर लीजिए, और अगर अभी से बता दीजिए कि मुझे एडमिशन लेना है आपके कॉलेज में तो वो ज़रूर आपका एडमिशन जो है ले लेंगे। इसके बाद 270 नंबर है, 1800 रैंक है, क्या मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल जाएगा आपको? लखनऊ यूनिवर्सिटी अच्छा नंबर है आपका, और गुड अप्रोच टू स्पीकिंग, बिल्कुल भाई। गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप कितनी आती है वो आपकी फ़ीस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस कितनी लगी है, उसी के हिसाब से जो है आपका जो है स्कॉलरशिप आता है। जैसा कि मैं बताऊं कि मेरा 4,420 रुपया लगा हुआ था और मेरा 7,500 लड़कियों का जो है 9,000 स्कॉलरशिप आया था, क्योंकि हॉस्टल की भी सुविधाएँ उसमें जो इंक्लूड हुई थी उसका भी आ गया था। स्टेट रैंक 7,474 है, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताए होते तो मैं बताता कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितना डिमांड है कॉलेजों का। 227 मार्क का है, 19,500 स्टेट रैंक, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? लेकिन ओबीसी कैटेगरी से आप हैं, अधिक से अधिक कॉलेजों को लॉक करिएगा, पूरा उत्तर प्रदेश में आप लॉक करिएगा तो कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आप ये सोचें कि आपके मन मुताबिक मिल जाएगा तो ये मुश्किल हो सकता है मिलना। आप जो है अधिक से अधिक कॉलेज, जितने लोग जो है 15,000 अधिक रैंक वाले हैं वो अधिक से अधिक जिलों को प्रेफर करिएगा। कम से कम मेरे अंदाज जो अनुमान से जो है 15 से 20 कॉलेजों को अगर आप लॉक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं, और काउंसलिंग कराते समय आप देखिएगा जब कॉलेज लॉक करिएगा तो पहले अपने होम डिस्ट्रिक्ट को लॉक करिएगा, इसके बाद अगल बगल डिस्ट्रिक्ट को लॉक करिएगा, इसके बाद फिर उसके भी दूर दूर ऐसे दूर मज़े दूर होते जाइएगा और सुविधाएँ देख के जाइएगा। सर जी रिजल्ट निकलने के बाद मुझे वेटेज में 15 मार्क
जो ब्रिटिश वाला आपको बताएं कि वो पहले से जैसे स्काउट है, एनसीसी है या एनएसएस है, इन सब का जो है पहले से मानक फिक्स है कि 5-5 नंबर एनसीसी सी सर्टिफिकेट पर 10 नंबर, तो ऐसा कुछ मानक है। अगर आप पहले से उसको, वो एक पहले से कैटेगरी है, उसमें जब आप नोटिफिकेशन आने लगता है बीएड विभाग का तो आप देख सकती हैं उसमें। मेरा स्टेट रैंक 18,81,700 है, क्या मुझे बनारस में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा? तो बिल्कुल मिल जाएगा, आप अभी से अपने जिस कॉलेज चाहती हो उसमें विजिट करके जो है आप बता दीजिए, तो वो आपके लिए एक सीट रिजर्व किए रहेंगे, और जब पूल काउंसलिंग होने लगेगी तो आपको जो है उसमें कॉलेज अलाट कर दिया जाएगा। इसके बाद 149 कैटेगरी में SC 14,000, क्या मुझे गवर्नमेंट? तो भूल के आप सोचिए मत चाहे जिस कैटेगरी से आऊँ, क्योंकि पहले राउंड की काउंसलिंग